हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल यूपीएससी मोटिवेशन 2.0 में। तो मैं आज ना एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसके अंदर हम 1000 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब पर डे की एक वीडियो आएगी जिसके अंदर 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो कि जीके के होंगे, ठीक है। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हम वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे जो कि डेली आएगी। इसके अंदर चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, कोई दिक्कत नहीं है, डेली वीडियो आएगी, ठीक है। ये सीरीज है, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज मंडे ना, तो आज से कम ना 50 से 52 दिन के बीच में ये कंप्लीट हो जाएगी। तो ना इसमें एक रूल और बना देंगे हम इस वीडियो के अंदर। इसमें ना जैसे कि हम 6 दिन जिसको जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए ना सॉरी, जैसे कि 6 दिन में हमने 120 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, तो हम ना लास्ट के सॉरी संडे वाले दिन ना इन 120 के 20 क्वेश्चन को फास्ट रिविजन की तरह से रिविजन कर लेंगे, ठीक है। क्विक रिविजन जिसको बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में अधिकांश हवाई अड्डे किस नाम से यानी डैश नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है कमेंट में कि किस नाम से ज़्यादातर हवाई अड्डों का नाम है, ठीक है। तो मैं आपको कमेंट में वापस इसका आंसर बताइए। मैं अब जब तक ऑप्शन बोल देता हूँ, जैसे ऑप्शन 1 है स्थानों के नाम पर यानी प्लेस के नाम पर, ऑप्शन 2 है राजनीतिज्ञों के नाम पर यानी पॉलिटिशियनों के नाम पर, ऑप्शन 3 है जानवरों के नाम पर, ठीक है। तो आप जल्दी से कमेंट में इसका आंसर बताइए। सॉरी, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2 कह सकते हैं, बी कह ले। तो इसका आंसर है राजनीतिज्ञों के नाम पर, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जीव बच्चे को जन्म देते ही मर जाता है। तो जल्दी से कमेंट में इसका आंसर बताइए कि कौन सा जीव बच्चे को जन्म देते ही मर जाता है। बिच्छू, कंगारू या जिराफ, इनमें से कौन सा इसका आंसर है, जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका आंसर है बिच्छू, ठीक है। अगर आपको लगे कि मैं थोड़ा तेज पढ़ाऊँ तो आप ना वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं कमेंट के अंदर, ठीक है। और लास्ट में आप ये कमेंट करके जाना कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए, कितने इनकरेक्ट हुए, ठीक है। जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर सही देने की कोशिश करोगे, ठीक है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था। जल्दी से कमेंट करके बताइएगी हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था। सॉरी, ये नाम भी थोड़े अजीब से है। इसका नाम है सिकोरुकी, ठीक है। दूसरा है कोपरनिकस, तीसरा है राइट बंधु, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा इनमें से करेक्ट है, जल्दी से कमेंट में बताइए, फिर मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको जल्दी। आप वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए इसका सिकोरुकी आंसर ठीक होगा। आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी, सोने का मंदिर किस देश में है। ये तो आप सभी को पता होगा, सोने का मंदिर किस देश में है। ऑप्शन बता देता हूँ मैं फिर भी, जापान में, सिंगापुर में और भारत में। तो इसका आंसर है भारत में। आप एक क्वेश्चन बता सकते हो कि भारत में कहाँ पर सोने का मंदिर है। चलो मैं ही बता देता हूँ, जो पंजाब में ना स्वर्ण मंदिर है, वही सोने का मंदिर है, ठीक है। पंजाब के अंदर है सोने का मंदिर, वो भी इंडिया में है। अगला देखते हैं, किस जीव की आँख मतलब की आँख नहीं होती, किस जीव की। तो आपको कमेंट में बताना है कि किस जीव की आँख नहीं होती। ऑप्शन ए चींटी की, ऑप्शन बी केंचुए की, ऑप्शन सी मछली की, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट में बताइए कि किस जीव की आँख नहीं होती। तो इसका आंसर है केंचुए की, ठीक है। तो इसका सेकंड आंसर राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, लोना किस खेल से संबंधित है। लोना किस खेल से संबंधित है। तो जल्दी से कमेंट में इसका आंसर बताइए, कबड्डी से, बैडमिंटन से या खो खो से। सॉरी, तो इसका आंसर हो जाएगा राइट कबड्डी से। लोना का मतलब एक कबड्डी में ना बोनस को कहते हैं, जो 2 पॉइंट मिलते हैं उसको, जब लास्ट में ऑल आउट टीम हो जाती है ना, तो उसके अंदर 2 पॉइंट मिलते हैं बोनस के रूप में, उसको लोना कहते हैं, ठीक है। अगले चलते हैं, चूहे का मंदिर भारत में किस राज्य में स्थित है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि चूहे का मंदिर भारत में किस राज्य में स्थित है, बिहार में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर आप वीडियो में कोई भी चेंज चाहते हो ना तो कमेंट में बता सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8th, कोका कोला का आविष्कार किसने किया था। तो जल्दी से कमेंट में बताइए कि कोका कोला का आविष्कार किसने किया था, जॉन पेम्बर्टन, लेंसपाल ने या फ्रैंक रॉबिन्सन। थोड़े नाम से यार अजीब से होते हैं विदेशियों के, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन पेम्बर्टन। आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन, ऐसा कौन सा जीव है जो 3 साल तक सोता है।
तो जल्दी से कमेंट में बताइए कि ऐसा कौन सा जीव है जो 3 साल तक सोता है, मछली, भालू या समुद्री घोंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्री घोंगा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार जीतने वाली महिला का नाम क्या है? ठीक है, नोबेल पुरस्कार किस महिला को मिला था सबसे पहले? तो इसके ऑप्शन है मदर टेरेसा, ऑप्शन बी या इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू। तो जल्दी से कमेंट में बताइए किसका आंसर क्या होगा। आप वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं कमेंट के अंदर, ठीक है, चीटिंग नहीं करेगा कोई भी बच्चा। तो इसका आंसर है मदर टेरेसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस जानवर का दूध पीने से दिमाग तेज होता है? तो जल्दी से कमेंट में बताइए कि किस जानवर का दूध पीने से दिमाग तेज होता है। ऑप्शन ए भैंसा, ऑप्शन बी सॉरी भैंसा नहीं भैंस, भैंसा का दूध देता है, सॉरी यार थोड़ा गलत बोल देता, भैंसा दूध नहीं देता, भैंस दूध देती है, ठीक है। ऑप्शन बी है गाय, ऑप्शन सी है बकरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन बी गाय, ठीक है, गाय इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये तो आपको सभी को पता होगा, फिर भी मैं ऑप्शन बता देता हूँ, 21 जून, 21 मई या 25 मई को। तो इसका सॉरी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 जून को जो योगा डे है अंतर्राष्ट्रीय योगा डे वो प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, किस फल में कभी कीड़े नहीं पड़ते? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ऐसा कौन सा फल है जिसके अंदर कीड़े नहीं लगते, ठीक है। तो मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको, आम, पपीता और केला। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है केला, ऑप्शन सी और ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, किस जानवर का दूध पीकर इंसान मर जाता है? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि किस जानवर का दूध पीने से जो इंसान वो मर जाता है। मैं ऑप्शन बता देता हूँ, गाय, बकरी और शेरनी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरनी। दोस्तों मैंने इस जो वीडियो में जो क्वेश्चन है ना, इनमें ना सिर्फ 3 ही ऑप्शन रख रखे हैं, 4 मैंने इसलिए नहीं रखे ताकि आप ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो। आप 3 में से ही बता दीजिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो आप 3 में से भी बता दोगे, 4 में से भी बता दोगे, ठीक है। तो मैंने जानबूझकर ही 3 ऑप्शन रखे हैं, कहीं आप सोचो कि इसने 3 क्यों रखे, ठीक है। तो इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है, अगर आप बोलोगे तो मैं 4 भी रख लूँगा, जैसा आपको ठीक लगे आप बता दीजिए कमेंट में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? यानी कि मरने के बाद जिसको भारत रत्न मिला था वो भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो कमेंट में इसका आंसर बताइए जल्दी से, जब तक मैं ऑप्शन सॉरी ऑप्शन बता देता हूँ, लाल बहादुर शास्त्री, दूसरा है अटल बिहारी वाजपेयी, तीसरा सी के नायडू, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री। आपको चलो मैं बता देता हूँ, इसका ना जो डेथ थी 1966 में हो गई थी, लेकिन आपको बताना है कहाँ पे हुई थी और क्यों हुई थी, ठीक है। तो कमेंट में इसका आंसर देना आपको इस क्वेश्चन का, जो मैंने अभी आपसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गरीबों की बकरी किसे कहा जाता है? ठीक है, तो आपको जल्दी से कमेंट में बताना है कि गरीबों की बकरी किसे कहा जाता है। मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ, जिराफ, गाय, घोड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाय, क्योंकि जो गाय एक अच्छा पशु है जो दूध भी देता है और जो गरीब हो तो उस दूध को बेच सकता है, ठीक है, ना कि घोड़ा दूध देता ना कि जिराफ, ठीक है। तो गाय का दूध से मतलब कि बहुत फायदा है, उसको बेच भी सकता है, पी भी सकता है, गरीबी में बहुत काम आता है, तो इसलिए गरीबों की बकरी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 क्वेश्चन, भारत रत्न पाने वाले पहले प्रथम खिलाड़ी कौन थे? तो जल्दी से कमेंट में इसका आंसर बताइए, जो भारत रत्न है पाने वाले सबसे प्रथम खिलाड़ी कौन थे? तो इसका कमेंट में पहले मैं इसको आप बताइए आंसर, मैं ऑप्शन बोल देता हूँ, ध्यानचंद है वो, मेरे से गलती होगी थोड़ी सी सॉरी, ठीक है, ध्यानचंद, अभी नव बिंद्रा हो गया और सचिन तेंदुलकर। तो जल्दी से कमेंट में इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18, गरीबों की लकड़ी किसे कहा जाता है? चलिए इसे कमेंट में आंसर बताइए कि गरीबों की लकड़ी किसे कहा जाता है। पीपल को, पीपल ये वृक्ष का नाम है, ठीक है ना, बरगद को ये भी वृक्ष है और बांस का भी एक वृक्ष होता है, ठीक है, आपने देखा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांस को, क्योंकि मरने के बाद आपको पता होगा बांस की जो लकड़ी होती है उन पर ले जाकर मतलब कि
उन पे लिटा कर उसको शमशान घाट तक ले जाया जाता है। तो इसलिए गरीबों का इसको सहारा बोला जाता है लास्ट टाइम फिर, क्योंकि बरगद की लकड़ियों पे हम नहीं जा, ओ सॉरी जो गरीबों जो मर जाते हैं उस पर शरीर रखकर नहीं ले जा सकते, ना जाते भी नहीं है लेकर, बांस की लकड़ी पर लेकर जाते हैं, तो इसलिए इसको गरीबों की लकड़ी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि गरीब ही लकड़ी बजाते हैं, आपको पता होगा अमीर तो एक वैन वगैरह होते हैं जो स्कंच का उसमें अंदर रख के लेके जाते हैं, ठीक है ना, आपको पता भी होगा, देखा भी होगा आपने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19th, कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? मैंने आपको आसियान पढ़ाया था, आसियान में कितने मेंबर आप कमेंट में मेरे को बताइए। ठीक है, मैं आपसे वही क्वेश्चन पूछूँ जो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, इससे बाद मैं कुछ नहीं पूछूंगा। तो मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ, चाइना, चीन बोलते जिसको, लाओस, फिलीपींस। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट में इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन, चीन आसियान का सदस्य नहीं है। मैं चलो एक क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ, इसके अंदर 8 मेंबर्स है, लेकिन आपको बताना कौन कौन से मेंबर है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, तो आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपको जल्दी से कमेंट में देना है कि दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है, यमुना नदी के किनारे, सतलुज नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे। तो जल्दी से कमेंट में बताइए कि दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी के किनारे। ठीक है, तो आज की वीडियो इतने ही रखेंगे, 20 क्वेश्चन पर डे हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, ठीक है, और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मतलब लगा कि हाँ ये नॉलेजफुल वीडियो है तो इसको आगे शेयर करना, नहीं तो मत करना। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। अगर आप इस चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करना ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।